वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरजीत कुल्लू द इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग वे टू लर्न मैथ्स। यदि आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आ रही हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करें और कमेंट भी लिखें, धन्यवाद। इंग्लिश में बोलें तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड राइट कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब वीडियो। जैसा कि दाईं ओर के चित्र में देख रहे हैं कि आपको कहां कहां क्लिक करना है। नंबर एक आसमानी रंग के तीर की नोक पर लाइक के लिए, हरा मेरे चैनल पर जाने के लिए, जामुनी कमेंट लिखने के लिए, लाल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए। यह क्विज टेस्ट पूर्णांकों की जमा घटाना गुणा भाग भाग पर आधारित है। अब जरूरी निर्देश, प्रत्येक प्रश्न आने पर आपके सामने चार विकल्प होंगे, आपको सही विकल्प सोचना है, थोड़ी देर बाद उत्तर बता दिया जाएगा। आपको पूर्णांकों को हल करने के नियम भी बता रहा हूँ। जमा या घटाने में नंबर एक चिन्ह बड़ी संख्या या नंबर का लगाना है। नंबर दो, यदि एक जैसे चिन्ह हो जैसे जमा जमा माइनस माइनस तो जमा करें या इंग्लिश में बोलूँ तो प्लस करें। यदि अलग अलग चिन्ह हो तो घटाएं या माइनस करें। अलग अलग चिन्ह मतलब जमा माइनस या माइनस जमा। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, नंबर एक चिन्ह बड़ी राशि का लगाना है। नंबर दो, यदि एक जैसे चिन्ह हो तो जमा करना है, अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है। अब आते हैं गुणा में। गुणा में संख्याओं की गुणा जरूर करें। चिन्ह के लिए आप माइनस चिन्ह चेक करें कि यह कितनी बार है। अगर ये एक तीन पाँच बार है मतलब विषम बार है तो माइनस चिन्ह लगेगा। दूसरी बात, यदि माइनस चिन्ह दो चार छः मतलब सम बार है तो चिन्ह जमा का लगेगा। फिर बता रहा हूँ, अगर चिन्ह माइनस जो है वो एक तीन पाँच बार या मतलब विषम बार है तो माइनस चिन्ह। दूसरी बात, दो चार छः मतलब सम बार है तो जमा का चिन्ह लगाना है। भाग में आते हैं तो भाग में भाग अवश्य करना है। चिन्ह यदि माइनस एक बार है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, यदि दो बार है तो जमा का लगेगा। तो शुरू करते हैं क्विज टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने, माइनस तीन जमा चार, माइनस थ्री प्लस फोर, फोर ऑप्शंस, चार ऑप्शंस, चार विकल्प आपके सामने, सात एक माइनस सात जीरो। ये गलत है। तीसरे ऑप्शन, सही ऑप्शन है दूसरी एक, क्योंकि माइनस तीन जमा चार चिन्ह बड़ी राशि का और अलग अलग चिन्ह हैं तो हमने घटाया है, चार माइनस तीन एक होता है। अगला प्रश्न, माइनस नौ जमा चार, चार विकल्प आपके सामने हैं, तीसरा विकल्प सही है, बाकी विकल्प गलत हैं। क्यों हैं? इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चिन्ह बड़ी राशि का लगेगा, चिन्ह माइनस का लगेगा और अलग अलग चिन्ह हैं तो आप देख रहे हैं आपने माइनस किया तो माइनस करने पर नौ में चार गए पाँच, तो पाँच जो है तीसरी ऑप्शन थी, यही सही है। प्रश्न तीन, माइनस नौ माइनस चार, चार विकल्प सोचें कौन सा विकल्प सही है। अगर आप पहला विकल्प सोच रहे हैं ये गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि माइनस तेरह, माइनस तेरह होगा इसका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि चिन्ह बड़ी राशि का माइनस हुआ और सेम साइन है, एक जैसे चिन्ह थे तो जमा किया, नौ चार तेरह, तो माइनस तेरह उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न चार, माइनस तीन जमा आठ, चार विकल्प, सही उत्तर तीसरा होगा, चिन्ह बड़ी राशि का, क्योंकि जमा है तो जमा लगाने की आवश्यकता नहीं, तो पांच हुआ, आठ में तीन गए पांच, अलग अलग चिन्ह थे, बाकी विकल्प गलत है। प्रश्न पाँच, माइनस नौ माइनस फोर माइनस टू, यानी कि माइनस नौ माइनस चार माइनस दो, सभी एक जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये दूसरा विकल्प सही है, नौ चार तेरह दो पंद्रह, तो ये दूसरा विकल्प सही था, माइनस पंद्रह। प्रश्न छः, माइनस सात माइनस आठ कितना होगा? चार विकल्प आपके सामने,
ये होगा दूसरा विकल्प सही, -15। अगर बाकी विकल्प सोच रहे हैं तो वो गलत हैं। -8, -8, -7, -8, -15 हुआ। सेम साइन थे, जमा किया चिन्ह बड़ी राशि का। प्रश्न 7, -9, -4। आसान सा प्रश्न, 4 विकल्प आपके सामने। 9, 4, 13 सेम साइन है, जमा जमा है, जमा ही करना है, कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। 9, 4, 13 जमा लगाने की जरूरत नहीं होती है। 3, -2, -1 आठवां प्रश्न, 4 विकल्प आपके सामने। 3, -2, -1 देखिए, -2, -1 क्या करना है सोचो। सेम साइन में पहले प्लस कीजिए, -2, -1, -3 हो जाएगा, 3, -3 आपका 0 हो जाएगा, तो पहला विकल्प आपका सही होगा, बाकी विकल्प गलत हैं। -2, -1, -3 हुआ चिन्ह बड़ी राशि का, और उधर जमा 3, जब -3 होगा तो 3, -3 क्या हो जाएगा 0, तो पहला विकल्प ही सही है। 9वां प्रश्न, 4, -4, -2 क्या उत्तर होगा। 4 विकल्प हैं, सोचें आपके पास 4 विकल्प, तो आपका पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा उत्तर सही है, -2 यही सही है। 4, -4, 0 हुआ और -2 ही बचेगा, तो आपका -2 चौथे विकल्प में था, तो चौथा विकल्प सही है। अगर आप -4, -2 करते हैं तो भी आपका -6 आएगा, 4, -6, -2 ही होगा। अगला प्रश्न, -9, -4, -2 4 विकल्प। दूसरा विकल्प सही होगा, क्यों होगा, क्योंकि -9, -4, -13 हुआ, -13 + 2 कितने हुए, -11 चिन्ह बड़ी राशि का होगा, क्योंकि 13 जो है बड़ी है, तो दूसरा विकल्प सही होगा, बाकी विकल्प आप सोच रहे हैं तो वो गलत हैं। 11 -3, -(-4) कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प सही है, क्यों है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। -3 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस आपका प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये -3 + 4 चिन्ह बड़ी राशि का लगेगा, तो आपका -3 + 4 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि चिन्ह बड़ी राशि का और अलग अलग चिन्ह होने से 4 में 3 = 1। प्रश्न 12, -3 (-8) कौन सा विकल्प सही है। अगर बार माइनस हो तब तो चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो चिन्ह वैसे ही रहेंगे, तो सोचें क्या कौन सा विकल्प सही है। तो ये आपका चौथा विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प सही है, -11 क्योंकि -3 - 8 हो जाएगा ब्रैकेट खोलने पर, क्योंकि बाहर जमा का चिन्ह है, इससे माइनस ही रहेगा, -3 - 8 - 11। प्रश्न 13, ब्रैकेट के बाहर माइनस, -9 - ( 4 कौन सा उत्तर सही है। दूसरा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प इसलिए सही है क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस बन जाएंगे, -9 - 4 बन जाएगा, और एक जैसे चिन्ह होने पर जोड़ेंगे, 9, 4, 13 चिन्ह बड़ी राशि का लगेगा माइनस का, तो -9 - 4 होगा, -13 बन जाएगा, तो यही सही विकल्प है। याद रखिएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। प्रश्न 14, -(-3) - (-2) कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प सही है, ये जमा जमा की बन जाएंगी दोनों, चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5,
दोनों ही जमा की बन जाएंगी, यही मैं बता रहा हूँ, बार के चिन्ह माइनस था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 15, जमा ब्रैकेट के अंदर जमा 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 4, कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। क्यों है? क्योंकि 4 जमा 4 होते हैं 8। अगला 16वां प्रश्न, माइनस 3 गुणा माइनस 4, गेस करें कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा 12, क्योंकि दो बार माइनस है, दो बार माइनस होने से चिन्ह क्या लगेगा? जमा का, और जमा लगाते नहीं है, गुणा तो करना ही है, 4 × 3 = 12 हुआ, तो दूसरा विकल्प सही है, बाकी विकल्प गलत है। आपने घटाना नहीं है, इसमें जमा नहीं करना है, गुणा ही करनी है, 4 × 3 = 12 और दो बार चिन्ह आने से, माइनस होने से क्या होगा? जमा का चिन्ह लगेगा। प्रश्न 17, माइनस 3 गुणा 8, कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है -24, क्योंकि एक बार माइनस होने से आपका चिन्ह माइनस का लगेगा, गुणा तो करना ही है, 8 × 3 = 24, ठीक है। प्रश्न 18, -9 गुणा -8, 4 विकल्प आपके सामने। तीसरा विकल्प सही, 9 × 8 = 72, दो बार माइनस होने से चिन्ह प्लस का होगा, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो 72 ही उत्तर हुआ। प्रश्न 19, अब 3 बार माइनस है, -4 × -4 × -1, सोचे। चौथा विकल्प सही है -16, क्योंकि माइनस कितनी बार है? 3 बार, 4 × 16, 16 × 1 = 16 ही होगा, ठीक है। तो माइनस कितनी बार था? 3 बार, तो माइनस आएगा, माइनस में उत्तर होगा, तो -16, गुणा किया हमने, 4 × 16 = 16, तो -16। प्रश्न 20, 12 / -2, पहला उत्तर सही होगा, बाकी उत्तर गलत होंगे, क्योंकि माइनस एक बार है, भाग तो देना ही है, तो 12 को 2 से भाग देंगे, 6 × 12 -6 आ जाएगा, ठीक है, बाकी विकल्प गलत है। 21वां प्रश्न, -12 / -2, अब फिर से दो बार माइनस है, देखते हैं क्या उत्तर, सोचते हैं आप और कौन सा उत्तर सही होता है। देखिए पहला उत्तर सही है, क्योंकि दो बार माइनस है, चिन्ह जमा का लगेगा, भाग तो देना ही है, 12 को 2 से भाग देंगे तो उत्तर 6 आएगा। बाईसवां प्रश्न, -12 / -4, कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है, 4 × 3 = 12, तो दो बार माइनस था, चिन्ह जमा का ही लगेगा, कोई जरूरत नहीं है जमा लगाने की, तो 3 उत्तर हुआ, 4 × 3 = 12, आपने गुणा नहीं करना है, कुछ नहीं, जमा नहीं करना, माइनस नहीं करना, आपको भाग ही देना है, 4 का पारा पढ़ना था, 4 × 3 = 12। धन्यवाद आपका मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए, एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।